नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। पुलिस प्रशासन हुआ अलर्ट, जगह जगह की नाकाबंदी, दादरी को छावनी में तब्दील किया। ग्रेटर नोएडा के दादरी में गुज्जर समुदाय के द्वारा 26 तारीख को महापंचायत के आह्वान के बाद दादरी को छावनी में तब्दील कर दिया गया, जिसके चलते सड़कों पर पुलिस बल दूर दूर तक नजर आ रहा है और वाहन चालकों को रोककर चेकिंग की जा रही है। दरअसल बीते 22 सितंबर को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण किया था। उस प्रतिमा के सिलावट पर गुजर शब्द के न लिखे जाने से नाराज गुजर महासभा संगठन ने आज महापंचायत का आयोजन किया, जिसको लेकर पुलिस अलर्ट नजर आ रही है। नहीं, इसकी परमिशन नहीं दी गई। तो सोशल मीडिया पर यह सर्कुलेट हो रहा था, तो कानून व्यवस्था के दृष्टिगत जो है संपूर्ण कस्बे में जो है पुलिस बल की तैनाती की गई। कितना पुलिस बल को तैनात किया गया? देखिए, इसमें पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। जो भी एंट्री पॉइंट्स हैं, बाहर से आने वाले सभी व्हीकल्स को, सभी व्यक्तियों को चेक किया जा रहा है और कस्बे के अंदर भी पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जा रहा है और PSC वगैरह के साथ फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। जिले में 144 लागू है सर, उसके बावजूद भी आंदोलन की गई है। अगर आते हैं करते हैं तो लीगल एक्शन लेते हैं? देखिए, उसमें नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो है कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है।